अब जैसे ये ग्लोबलाइजेशन की एक बात मैंने कही, अब ये ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन है क्या? मसलन छोटा सा एक उदाहरण आपको देता हूं कि जब हम छोटे थे, बच्चे थे, तो अगर हमारे पास 25 पैसे होते थे तो हम 25 पैसे में एक टॉफी आती थी, मार्टन गोला की टॉफी होती थी, वो तो चॉकलेटी होता था हल्का सा, लेकिन वो आज जैसी चॉकलेट नहीं थी। तो मार्टन गोला की आप टॉफी एक 25 पैसे में खरीद सकते हैं। अगर आपके पास 50 पैसे हैं तो आप कैडबरीज की एक्लेयर्स या पार्ले की मेलोडी खरीद लेंगे, वो थोड़ा सा लग्जरी है। हमारी जिंदगी में पहली चॉकलेट कौन सी आई होगी, आप इमेजिन नहीं कर सकते। आप कहेंगे सर ये वो सिल्क विल्क वाला, तमाम सारे ब्रांड हैं आपके पास में। मैं अगर पूरी क्लास से अभी पूछने लग जाऊं तो पूरी क्लास इतनी वैरायटी ऑफ ब्रांड्स मेरे सामने रख देगी, लेकिन हमारी जिंदगी में जो पहली चॉकलेट आई वो पार्ले की किस्मी टॉफी बार थी। कि आप पार्ले की किस्मी टॉफी बार 1 रुपया की इतनी बड़ी चीज मिल जाए, मतलब आप आराम से उसको चॉकलेट 10 टॉफी के बराबर की एक चॉकलेट आपको मिल गई, आप अपने आप में एकदम राजकुमार हैं। राजा तो नहीं हो सकता 8 से 10 साल का बच्चा, लेकिन राजकुमार है। तो एक वो समाज है जहां मार्केट में हमारे पास चॉइसेस बहुत कम है, बहुत लिमिटेड है, और चॉइसेस नहीं है इसलिए बहुत सारे पैसों की जरूरत नहीं है। अगर मैं स्कूल से वापस आता हूं और मुझे भूख लगी है तो हमारी जो ऑप्शन है वो सॉर्टेड है। मैं क्या करूंगा, घर में देखूंगा अच्छा रोटी रखी है तो नमक लगा लूंगा, घी लगा लूंगा या तेल लगा लूंगा, खा लूंगा। अगर रोटियां ही हैं केवल, चावल केवल रखे हुए हैं, दाल खत्म हो गई, सब्जी खत्म हो गई, दोपहर में 3 बजा है, सब लोग खा चुके हैं, तो मैं उसके अंदर घी नमक थोड़ा थोड़ा डाल करके मैं उसको खा लूंगा अगर वो भी खत्म हो गया है। या अगर आप वो नहीं खाना चाहते हैं तो बगल के चौराहे पे समोसे लेने चले जाइए, आप समोसे ले आएंगे, 2 समोसे खा लेंगे। हमारे यहाँ मेरी आँख के सामने पहला रेस्टोरेंट बना, ये 91-92 की बात होगी, यानी ग्लोबलाइजेशन के 1 ही 8 साल के अंदर पहला रेस्टोरेंट बना। उसके पहले होटल्स हुआ करते थे, ढाबे हुआ करते थे। तो इतना समय और समाज बदल गया, बदलने लगा तेजी से। ग्लोबलाइजेशन को, लिबरलाइजेशन को शेप लेते लेते, आकार लेते लेते 10-15 साल लग गए और तेजी से समाज बदल गया। लेकिन उससे उसका फायदा क्या था? जैसे आज क्या है, मम्मी मैं बोर हो रहा हूं, बड़े बड़े बच्चे कहेंगे मैं बोर हो रहा हूं। अरे बोर हो यार, बोर होना अच्छी बात है, क्योंकि बोर होना दरअसल लेजर टाइम है, आपके पास करने को कुछ नहीं है। यही तो है ना बोर होना, कि कुछ करने को ही नहीं है। अरे यार ये ब्लिस है, वरदान है, रुको इस मोमेंट को एंजॉय करो। क्यों? क्योंकि तुमको काम करने से अभी मुक्ति मिल गई है, तो अब क्या करोगे? आओ सोचे, कुछ क्रिएटिव करें, दिमाग को चलाना शुरू करो। जरूरी नहीं है हर समय हाथ पैर चलते ही रहें, दिमाग जो है गणित लगाता रहे, मैथमेटिक्स पढ़ता रहे, नहीं। जब आप बोर हो रहे हैं वही समय है जब आपका लेजर वर्ड है, और ये लेजर वर्ड जो है ये बहुत बहुत प्रीशियस जो है टाइम जोन है। मैं और मेरे जैसे तमाम सारे बच्चे जिनके पास टीवी नहीं था, जिनके पास मोबाइल नहीं था, जिनके पास लैपटॉप्स नहीं थे, जिनके पास इंटरनेट नहीं था, जिनके पास बहुत सारा दुनिया का एक्सपोजर नहीं था, जिनका आउटसाइड वर्ल्ड उनकी छतें होती थी, हमारे पुराने शहरों के कस्बों में छतें हमारा सबसे जो है तगड़ा प्लेग्राउंड होता था, और हम वहां चले जाते थे, वहां से आसमान देखते थे, एक पतंग जो है आसमान में उड़ रही है, इतनी ऊंची उड़ रही है, कितनी ऊंची उड़ रही है, उस पर अंदाजे लगाया करते थे, और कभी कभी कहते थे कि ये पतंग तो लगभग बाउंड्री के पार उड़ रही है। मतलब हम मानते थे जहां आसमान खत्म हो गया उसके भी पार ये पतंग निकल गई है, और एक पतंग कटेगी और इसका जो सिरा है, इसकी डोर पतंग की मेरी छत से जा सकती है, इस प्रोबेबिलिटी पर हम 3 घंटे अपने जीवन के खर्च कर देते थे। ये लेजर है, इसे एंजॉय करो। इस मोमेंट में रहने का फायदा क्या है? मैं कहूं, मैं 3 घंटे आसमान निहारता रहता था, आसमान के बादल निहारता रहता था,
छत पर बैठकर मैं उड़ती हुई चिड़ियों के झुंड को देख लेता था। अब आप देखते हैं, अब तो आप सड़क पर चलते समय भी अपनी स्क्रीन को देखते हैं। मैं बहुत अलग तरीके से बात कहने की कोशिश कर रहा हूं। आपने पूछा कि सर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कैसे करें, ये प्रवचन उसी पे चल रहा है, बिल्कुल भी डाइवर्जन नहीं है।